नमस्ते, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही यम्मी टेस्टी हेल्दी खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना, वन पॉट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये खिचड़ी काफ़ी हेल्दी है, इसे बनाना भी काफ़ी आसान है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, मैंने इस तरह से बनाकर इसमें मैंने घी और लेमन जूस डाला है। अगर आप इस तरह से खिचड़ी खाते हैं ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही यम्मी लगेगा। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। इसके लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, आलू को मैंने चॉप करके ले लिया। अगर आपको ना पसंद हो तो आलू भी स्कीप कर सकते हैं। मैंने चावल एक कटोरी लिया है, आधा कटोरी मूंग दाल ली है मैंने, और मैंने आधा कटोरी मटर लिया है। अदरक लहसुन को मैंने इस तरह से कूट लिया है, और इधर मैंने गरम खड़े मसाले लिए, तेजपत्ता, गोलकी, जीरा, लौंग, इलायची और लाल मिर्च। इस तरह से सामान इकट्ठा कर ले तो इजी होता है बनाना। अब इधर हम एक पोट ले लेंगे या जो भी आपके पास हो, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। लगभग 2 स्पून मैंने ऑयल डाला है। इसमें जितने भी खड़े मसाले वो हम इसमें डालकर थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। ये गरम मसाले से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैंने इसे पोट में बनाया है, इसमें चावल बहुत ही अच्छे से पकते हैं, ओवर कुक नहीं होते हैं। तो इस तरह से भी कभी कभी खिचड़ी बनाकर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैंने जो ग्रीन चिली रखा था, मैंने इस तरह से कट करके डाला है ताकि अगर बच्चे को ना पसंद हो तो मैं आसानी से निकाल सकूं। मैंने एक बड़ा सा प्याज कट करके डाला है, अदरक लहसुन मैंने चॉप कर लीजिएगा या एक आप मैंने कूट लिया है। इसमें मैंने एक आलू को मैंने अच्छे से बारीक कट करके डाल दिया। इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे। जो हमने मटर रखे थे वो भी डाल देंगे। सब चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाना, वन पॉट रेसिपी है, काफ़ी मतलब जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया है। मैंने सब इसमें 1-1 स्पून यूज किया है। हल्दी मैंने 1/2 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यूज किया है। इसमें मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो इशू, बहुत ही अच्छा बनता है। फिर भी अब इस तरह से हम डालकर हम इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छा मील है, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। अब जो हमने मूंग दाल को भिगो कर रखा था वो इसमें हम डाल देंगे, और चावल भी इसमें हम डाल देंगे। ध्यान रखें, जब भी खिचड़ी बनाएं तो दाल और चावल को आप कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें, तभी आप बनाएं। तो बहुत ही अच्छा और काफ़ी जल्दी ये गल जाता है, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी होता है। अब हमने जितने चावल लिए उसके अकॉर्डिंग इसमें हम पानी डाल देंगे। लगभग मैंने इसमें 3 से 4 कटोरी मैंने इसमें पानी यूज किया है। ये देखिए, इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस है। तो आप भी बनाएं, खाएं। देखिए हमारी ये खिचड़ी लगभग अब बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे। ये देखिए हमारी ये लाजवाब मूंग दाल आलू मटर की खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के।